हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की ज़िंदगी में। अभी आप सब लोग बोलेंगे कि प्रियंका आप नीचे क्यों बैठे हो, तो सोफे पीछे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को, मैं नीचे बैठी हूँ। इसलिए नीचे बैठी हूँ क्योंकि कैमरा की कोई सेटिंग ही नहीं बैटरी थी। और मैंने अब ये सोचा है कि लव रीडिंग्स में किसी भी तरीके की कोई ढिलाई नहीं चलेगी, पता नहीं क्यों। दिस इज़ अ गाइडेंस मेरे लिए जो आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने इस गाइडेंस को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं लव रीडिंग करती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आता है लव रीडिंग पे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ छोड़, नहीं बनाना, ठीक है। बट ये मुझे गाइडेंस आई है, ऐसे थोड़ा पीछे से रख जाती हूँ, हाँ, तो ये ना मुझे एक्चुअली में गाइडेंस आई है कि नहीं, चाहे किसी को पसंद आए, चाहे किसी को पसंद ना आए, चाहे इतना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रैफिक मिले या ना मिले, मेरा काम है तो मुझे तो भाई करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ओके चलते शुरू करते हैं, बाकी जो बाबा महाकाल की इच्छा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप सभी लोगों को बता दूँ, मेरा नाम है प्रियंका और आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट। दिस इज़ नॉट ओनली अ टैरेट चैनल, बट ये एक तरीके की फैमिली है, हम सब की बहुत ही प्यारी सी फैमिली। और आप सभी लोगों का तहे दिल से आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है वेट करूं या भाई मैं मूव ऑन कर जाऊं, यानी कि मैं मुझे मेरे पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। बहुत बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर हमें खुद को नहीं समझ आता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन नेगेटिव फंसती है जहां पर ऐसा लगने लगता है कि शायद इस रिश्ते में अब कुछ नहीं है ना। तो आज ऐसे ही कंडीशंस में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप लोगों को पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं आप लोगों के लिए जो है फिर टाइमलेस और पिक अ कार्ड्स पिकअप पायल रीडिंग्स भी लेकर आना शुरू करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए जो है डिफरेंट स्प्रेड्स ऑफ रीडिंग भी लेकर आऊंगी, जैसे कि सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज, अगर आप लोग कहेंगे तो, आप लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की फरमाइशों पर। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, और मुझे ज़रूर बताना मेरी वॉइस क्वालिटी सही आ रही है वीडियो में या नहीं, क्योंकि बाहर ना बहुत सारी चिड़िया पता नहीं क्यों चिल्ला रही है, आई डोंट नो। ओके, एंड एक चीज़ और, फॉर मोर पॉजिटिव इंग्लिश और हिंदी टैरो रीडिंग्स ऑन लाइक लव लाइफ के ऊपर देखने के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है, आप उसको भी जा करके चेक इन कर सकते हैं। उसके ऊपर भी अब से आप लोगों को डेली वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग, रुकूं या आगे बढ़ जाऊं, मेरे लिए क्या ज़्यादा बेहतर है, रुकना या आगे बढ़ना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपको नहीं समझ आता ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या ये बंदा वापस आएगा मेरी ज़िंदगी में, क्या है क्या नहीं है, स्टक हो गए हो, बिल्कुल परेशान हो रखे हो, चीज़ें वैल्यूएबल तरीके से नहीं आ पा रही हैं, सो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली फॉर यू। ओके, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे दैट एग्जैक्टली जो है अभी जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है। सो वी हैव अ फर्स्ट कार्ड हेयर, सेकेंड कार्ड हेयर, तीसरा कार्ड भी आ गया और चौथा कार्ड भी आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को दिख रहा होगा, कार्ड्स में आप लोगों को दिखाऊंगी। अब देखो बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने करियर की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप अपने करियर की तरफ ध्यान दे नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको स्ट्रेस होता है, नेगेटिविटी फील होती है, परेशानी होती है, गुस्सा करते हो। मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी फील आ रही है लाइक यहाँ पर हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चीज़ों के अंदर स्टक हो, चीज़ों को समय नहीं दे पा रहे हो, चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हो, आप कहीं ना कहीं ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी गलती कहाँ रही है इस रिलेशनशिप में, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब
क्या मेरा क्या मतलब मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आप लोगों के साथ में पास्ट में भी ऐसा कुछ कुछ हुआ है, मतलब पास्ट में हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया आया रुका थोड़े टाइम रहा और फिर निकलता चला गया, ठीक है, चला गया, या कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में। सो राइट नाउ यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में होगा क्या। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, माई ब्यूटिफुल पीपल, माई ब्यूटिफुल व्यूअर, जो आप देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान काफ़ी टाइम हो गया है उसके साथ ये सिचुएशन चलते हुए, या फिर एक 100% आपको ना वो नहीं मिला है, अभी तक क्लोजर नहीं मिला है ना। और कोई ना कोई नया पर्सन भी अगर आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करता है ना, तो आप उस इंसान को भी ना अपनी ज़िंदगी से ऐसे टाटा बाय बाय कर देते हो कि चल निकल यहाँ से, मेरे को तो ये कोई मतलब, मुझे नहीं चाहिए, तो है ना, ऐसी एनर्जी में आप उस पर्टिकुलर पर्सन को भेज देते हो। तो भाई ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी चल रही है। सेकंड कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सोड्स का, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपने उस पर्टिकुलर पर्सन को स्टॉक करते हो, ठीक है, पास्ट का प्रेजेंट का कंपेयर करते हो, क्यों कैसे कब अब क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पेज ऑफ सोच का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा खफा हो, मतलब आपको ना बुरा लगता है, आपको कहना नहीं चाहिए, गुस्सा आता है, आप अपने ऊपर नहीं फोकस कर पा रहे हो, आप अपने करियर पे नहीं फोकस कर पा रहे हो। सिक्स क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक यू नो एक पैशनेट आदमी छुपा हुआ है, पैशनेट पर्सन छुपा हुआ है, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो, आपका दिमाग जो है ना चकरा गया है बिल्कुल, और समझ नहीं आ रहा है क्या करें, है ना, कोडिपेंडेंट हो रखे हो बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं सो ऑन, अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ, दैट पर्टिकुलर बिलोंगिंग पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप जितना हैप्पी पॉजिटिव कोई नहीं हो सकता। इस इंसान के पीछे आपने बहुत तरबतर ठोकरें दिक्कतें परेशानियाँ बहुत कुछ झेला है, दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, ठीक है। तो ये तो चलो हो गई आपकी एनर्जीज, अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके कार्ड्स में साइड में ही रख रही हूँ, नहीं रख रही हूँ, इसके अंदर मिक्स नहीं कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि आपकी जो एनर्जी है ना इस पर्सन की कार्ड्स में, इस पर्सन की एनर्जी में मिक्सअप हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग। ओके लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, लाइक वट योर पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग गुड फॉर यू, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग बैड फॉर यू, अच्छा बुरा क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे आई एम श्योर, मतलब मुझे एक चीज़ बहुत अंतर मन से महसूस हो रही है अभी हाल फिलहाल इंट्यूटिवली, कि जब इस वीडियो का एंड होगा ना, एंड होने से 5-6 मिनट पहले आपको पता लग जाएगा कि यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन और यू नीड टू मूव ऑन, लाइक आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। अभी इनफैक्ट अभी पता लग जाएगा जब मैं आप लोगों को फीलिंग्स बताऊंगी उस आदमी की, ठीक है, आदमी औरत बंदा बंदी हूसोएवर, ठीक है। लेट्स सी, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मून, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी, आप लोगों के लिए भी अब तो, अच्छा कार्ड तो वो बॉटम ऑफ द डेक था, ओके, आप लोगों के लिए भी आया था पेज का कार्ड, ठीक है, बॉटम में, और यहाँ पे इस बंदे के लिए, ये जो भी आपके पर्टिकुलर पर्सन है ना, आपके जो प्रेजेंट पार्टनर जिस जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, उनके लिए भी यहाँ पर आया है पेज का कार्ड, दोनों पेज की एनर्जीज में, समझ रहे हो आप। पेज की एनर्जीज का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं आप भी बैठे हो अपने गुस्से को लेकर के, और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो भी बैठे हैं अपने गुस्से को लेकर के, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सबसे पहले मैं इस कार्ड की बात करूँगी, एस ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्यासा प्यासा महसूस हो रहा है, जबकि भर के एक ग्लास पानी पी के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने बैठी हुई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, और मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हल्का दर्द सा भी फील हो रहा है, कार्ड में भी है, यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव हो रखे हैं, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है,
और तोड़ फोड़ एनर्जी है। अगर कोई इनसे बात भी कर रहा होगा ना, झड़प रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, चिड़चिड़ाहट आ रही होगी, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होगी, गूज बम्स आ जाते होंगे अचानक से, और पीट दूं इसको, ठोक दूं इसको, नहीं खानी नहीं खाना है खाना, नहीं करना है ये वो, ऐसी एनर्जी में है। मतलब वो किसी मेलो ड्रामा वाली एनर्जी में नहीं है कि बैठे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, चुप हैं, दुखी हैं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एनर्जी पता है कौन सी वाली है? यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि तोड़ फोड़ एनर्जी है। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, गुस्सा कर देंगे, लड़ भिड़ जाएंगे, ये सब सोच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर वन बोलने वाली थी, कि आप जो हो ना खुश नहीं हो उनकी वजह से, वो खुश नहीं है, आपके पार्टनर खुश नहीं है, इन सब नाटक नौटंकी की वजह से। आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल कलेक्टिव पीपल, मून का कार्ड है यहाँ पर। मून स्ट्रांगली रिजेंबल्स मदर और वुमेन थर्ड पार्टी इशू। कोई मदरली फिगर, माँ हो सकती है, चाची हो सकती है, नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई तो ऐसा है यहाँ पर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी की एनर्जी। अगर आप लोग इस कार्ड को देखो, आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि दो बंदे हैं जो आपस, और पीछे से एक स्कॉर्पियो है जिसने इन दोनों बंदों के बीच में करवा दी लड़ाई। ऑल दो दिस कार्ड डजेंट रिसेम्बल थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि ये डिसेप्शन, धोखे को ही शो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उनको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिवली रियलाइज़ हो रही, नेगेटिवली, सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, नेगेटिवली उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है, ओवर थिंकिंग कर करके, कि यहाँ पर इस रिश्ते के अंदर मेन कल्प्रिट कौन था। ठीक है, कौन था ऐसा वो मेन कल्प्रिट बंदा जिसने ये सब कुछ घपले घोटाले करे? नाउ दिस पर्सन इन अ एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये आपसे बात करके ना, किसी मैसेज, कॉल, या किसी, इनफैक्ट मेल आल्सो, मेल होते हैं ना, ईमेल होते हैं हमारे, उसके थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको बताएं दैट हाउ मच दे एक्चुअली लव फॉर यू, दे हैव दैट अनकंडीशनल पॉजिटिव लव फॉर यू, वो आपको ये बताने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से फिट हो गई है, बैठ गई है, कि किसने क्या गलत किया था, किसको क्या मैंने बोलना है, और आगे मैंने कैसे बढ़ना है। मून का कार्ड यहाँ पर, मून का कार्ड आया विद द फाइव ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल इन अ सुकून। अगर आपको ऐसा लगता है, माय ब्यूटिफुल पीपल, कि आपके पार्टनर तो मज़े कर रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, नो, हो सकता है वो अपना मन बहला रहे हैं, खुश तो नहीं है। ठीक है, खुश तो नहीं है। नाउ मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, जो मैंने आप लोगों को बोला भी था कार्ड्स निकालने से पहले, कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता लग जाएगा दैट यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन और यू नीड टू मूव फ्रॉम दिस पर्सन, बट मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी। ओके, चलो जी देखते हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए इस पर्सन की एनर्जी से। और पता नहीं क्यों दुपट्टा सुकून नहीं ले रहा। हाँ तो देख लेते हैं एक बारी। ओके 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 ओके, चेंज, गाइडेंस, एक कार्ड और निकालूंगी। अंडरस्टैंडिंग, बॉटम ऑफ द डेक, कंडीशनिंग। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है अभी, ये उनकी करंट सिचुएशन चल रही है अभी हाल फिलहाल। वो इतने गंदे फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है ना, कि उनको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कंडीशंस में बंधे हुए हैं। ठीक है, उन्हें ट्रैप किया हुआ है एकदम। वो उनका अगर बस चले ना, वो आज अभी इसी वक्त भाग के कूद के आपके पास आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि आपने उन्हें एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो या फिर वो इतनी गंदी कंडीशन में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें आना चाहिए, क्या अगर वो आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे,
या आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे. दिस पर्सन इज इन अ वेरी बिग मेस, आई एम टेलिंग यू, वेरी बिग बिग मेस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए द चेंज. नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर द गाइडेंस. थर्ड कार्ड आया है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आई मस्ट से आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए. अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का परिवर्तन, एक तरीके का बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है और ये बदलाव आपके इस रिश्ते के लिए बहुत 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 ग्रेट होने वाला है. नाउ लेट मी चेक कि आपको कब तक इंतज़ार करना चाहिए. ठीक है, हे डिवाइन एक्सप्रेस गाइड कीजिएगा, महीने क्या, वीक क्या, साल. ऑब्वियसली बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, समझिएगा इस चीज़ को, केवल और केवल 3 महीने आपको जो है इस पर्सन का इंतज़ार करना है. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब से लेकर के 3 महीने, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आप लोगों ने इंतज़ार करना है. कमिंग 3 मंथ्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यू नो, जैसे होता है ना कि कुछ कर दिखाने वाली एनर्जी है, वो होने वाली है. तो आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स वेट करना है, आई एम टेलिंग यू अगेन. लेकिन इन 3 महीने किन एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, टेसुए बहा रहे हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, करियर पे नहीं. नहीं, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है टू डू समथिंग वेरी बिग, तो हमें उस चीज़ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है. काम करो, मस्त इन्जॉय करो, खाना खाओ, इधर उधर घूमो, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करो, ठीक है. या फिर आप जो है अपने करियर पे ध्यान दो, अच्छे तरीके से, एकदम पॉजिटिव तरीके से. आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, याद रखिएगा इस बात को. सो माई ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग. वेट करें कम से कम 3 महीने, अचानक से मूव ऑन करने की कोशिश ना करें. इस बीच अगर आपको कोई प्रपोजल भी आता है तो उसको होल्ड ऑन रखें, बहुत ज़्यादा ऐसे भाग के चुलबुलाहट में और पिक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. डेली 10:10 पर रात को आप लोगों को लव रीडिंग्स देखने को मिलेगी. इफ़ यू वॉन्ट मोर देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बताइएगा मुझे टाइमलेस पिक अ पाइल और पिक अ कार्ड और वॉट सो एवर क्या चाहिए आपको. विल डेफिनेटली डू फॉर यू. लव यू ऑल, बाय बाय.